मेरे खुद के नहीं आ रही बोल, सब्सिडी आई नहीं रही बोल, आई नहीं रही। हाँ नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। दिखा दो एक साल बाद दारू क्यों पीने जा रहे हो? दारू पैसे की पी रहे अपन, पैसे की पी रहे तो पैसों की वो भी तो बनवा लो। तो गेट अकाउंट में पैसा तो आना चाहिए सब्सिडी का, वो नहीं आ रहा। तो सरकार तो खा रही है, बीजेपी सरकार तो खा रही है। बोलो आपको, लोगों के 4000 टंकी आती थी पहले, आजकल है ना गाँवों में जा रही है। मोदी सरकार ने बोला, मोदी जी ने, कि है ना मेरा 1% काला धन हो ना नोटबंदी में, 1 रुपया काला धन का हो तो मेरे को जेल के किसी भी चौराहे पे खड़ा करके जला देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सारा हिसाब दिया 1-1 रुपए का, और है ना सब्सिडी कहा था मोदी जी ने, क्या ना जिनके 4-4 सब्सिडी दी है वो 3-3 ही लियो। हमारे आपको नहीं दिया, मीडिया पे जाके देखो, आज तक पे जाके। अरे एक मिनट रुको, ये मोदी जी ने नोटबंदी करवाया उसका क्या फर्क पड़ा? नोटबंदी से 17% काला धन अभी निकल गया, वो है ना 100% में से दिखा रहे हैं सब। कितने जने मरे, कितने जने कौन मर गया? लाइन में तो सभी लगे होते हैं, मोदी की माँ भी लगी थी लाइन में। तो क्या उसने छोड़ दिया परिवार, इसलिए बोल रहा हूँ आज आप। मोदी जी की शादी हिम्मत होनी चाहिए, मोदी जी की शादी हो गई है। मोदी जी ने शादी नहीं करी, आरएसएस का नेता है तो आज भी बोलता हूँ शादी हो गई की लुगाई है। कौन कहता है? पुष्कर माई थी अभी अगले महीने, वो है ना आप जो बोल रहे हो ना वो आज तक पे आया था वायरल टेस्ट, उसमें अखबार में आ गई भले सी। आज तक दुनिया का नंबर 1 चैनल है ना भारत का, उसमें वायरल टेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसमें ये सब झूठा करार दिया गया राजगढ़ में। और है ना उसके बाद राहुल गांधी जो कह रहा था मैं शिव भक्त हूँ, मेरी फैमिली शिव भक्त है, वहाँ पे जाके उस पर सवाल उठ गए कि ये है ना गैर हिंदू है। क्या बात, ये सब्सिडी बंद हो जानी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? मैं तो भैया बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार आनी नहीं चाहिए। मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी? आप करो तो सही कोई काम। सब कुछ कर ली, बैंक में आधार कार्ड और पासबुक जमा कर दी, आज तक भी नहीं आ रही। आपके बीजेपी पे पोलिंग बूथ।